नमस्कार दोस्तों मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी आगरा से है आगरा के थाना खेरागढ़ क्षेत्र में एक गांव आता है खांगढ़ ये बात 2019 की है 30 नवंबर को इसी गांव का एक युवक नहनू गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित पुराने प्राइमरी स्कूल की खंडहर इमारत के पास से गुजर रहा था उस युवक की नजर स्कूल के एक कमरे की ओर गई स्कूल के एक कमरे में सत्रह साल की युवती की लाश पड़ी थी उसके चारों ओर खून फैला हुआ था जिसे देखते ही युवक के मुंह से चीख निकल गई वह गांव की ओर भागा रास्ते में कुछ लोग दिखे तो उस युवक ने उन्हें जानकारी दे दी हां गढ़ के लोगों को जब किसी मृत लड़की की खबर मिली तो पूरे गांव में खलबली मच गई लोग बिना देर किए अपने काम छोड़कर स्कूल की ओर दौड़ पड़े जहां से लड़की की लाश मिलने की सूचना आई थी कुछ ही पलों में स्कूल के चारों ओर लोगों की भीड़ जुट गई भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को पहचान लिया वह उन्हीं के गांव के हरिओम की सत्रह वर्षीय बेटी गौरी थी गौरी की हालत देखकर सब सन्न रह गए तुरंत ही किसी ने उसके घरवालों को खबर दी और यह सुनते ही गौरी के परिवार में कोहराम मच गया माँ बाप की चीखें आसमान चीर रही थीं। इस बीच किसी ने पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी थी जिससे माहौल और गंभीर हो गया लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे सूचना मिलने के करीब एक घंटे बाद खेरागढ़ थाने के प्रभारी शेर सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे युवती की हत्या की खबर अब तक आसपास के गांवों में भी फैल चुकी थी जिसके चलते देखने वालों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी पुलिस को भीड़ को संभालने में खासी मुश्किल हो रही थी शेर सिंह ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू की एसएसपी के आदेश पर फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड और आसपास के थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई उच्चाधिकारियों ने गौरी के शव का निरीक्षण किया स्कूल के कमरे में गौरी का लहूलुहान शव पड़ा हुआ था उसका गला किसी तेज धारदार हथियार से बुरी तरह रेता गया था गले पर दो निशान थे एक हल्का और दूसरा गहरा जिससे पता चलता था कि हत्यारे ने जानबूझकर इसे दो बार काटने की कोशिश की थी सिर के पीछे भी गंभीर चोट के निशान थे फॉरेंसिक टीम ने तलाशी के दौरान गौरी के कपड़ों से एक सामान्य सा मोबाइल फोन बरामद किया जो स्विच ऑफ था इससे यह संभावना बनी कि हत्यारे ने हत्या के बाद मोबाइल बंद कर उसके कपड़ों में रख दिया होगा शव के पास एक पानी से भरा लौटा भी रखा था पुलिस हर सुराग की बारीकी से जांच कर रही थी लेकिन सवाल यह था कि आखिर गौरी के साथ यह दर्दनाक घटना क्यों और कैसे हुई पुलिस ने गौरी के परिवार से बातचीत की उन्होंने बताया कि गौरी सुबह तड़के करीब पांच बजे शौच के लिए घर से निकली थी लेकिन जब वह दो घंटे तक वापस नहीं आई तो परिवार के लोग उसकी तलाश में निकल पड़े उसी दौरान उन्हें उसकी हत्या की खबर मिली जब अधिकारियों ने उनसे पूछा कि किसी से दुश्मनी या रंजिश का मामला है क्या तो गौरी के पिता हरिओम ने स्पष्ट किया कि उनकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इस बीच फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए पुलिस का खोजी कुत्ता घटनास्थल से करीब 400 मीटर दूर खेतों तक पहुंचा लेकिन वहां कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया पुलिस ने खेतों में गहन तलाशी ली लेकिन कातिल के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली कई घंटे की जांच के बाद जब पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए गौरी का शव उठाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने विरोध कर दिया उनका कहना था कि जब तक हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं जाती तब तक शव को नहीं उठाने दिया जाएगा इस पर एसएसपी बबलू कुमार ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाते हुए आश्वासन दिया कि गौरी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी और हथियारों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा एसएसपी के इस आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हो गए और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया अब पूरा गांव इस दर्दनाक घटना के पीछे के सच का इंतज़ार कर रहा था एसएसपी ने जानकारी दी कि गौरी के शव का पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया जाएगा ताकि जांच सही और पूरी तरह से हो सके पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जांच की दिशा स्पष्ट रूप से तय होगी गौरी के पिता हरिओम सिंह की तहरीर पर खेरागढ़ थाना प्रभारी शेर सिंह ने अज्ञात के ख़िलाफ़ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है एसएसपी ने इस केस की जांच में कई टीमें लगा दी पुलिस ने सबसे पहले मृतका गौरी के पास मिले फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गौरी के मोबाइल की जांच के दौरान जिन जिन लोगों के नंबर उसमें मिले पुलिस ने सभी को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया इन लोगों में से तीन युवकों पर शक गहराया और उनसे लगातार दो दिन तक पूछताछ की गई इसके बाद पुलिस ने 25 और संदिग्धों से पूछताछ की लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा कॉल डिटेल्स में एक खास नंबर ऐसा था जिस पर बार बार बातचीत हुई थी और पुलिस को उसी नंबर पर सबसे ज्यादा शक था हालांकि वह नंबर बंद था जब पुलिस ने उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि वह नंबर 21 वर्षीय हेत सिंह तोमर का है थाना मुरैना के अंतर्गत एक गांव आता है छिछावली वो वही का रहने वाला था जैसे ही पुलिस को नंबर की लोकेशन मिली उन्होंने हेत सिंह के पते पर छापा मारा लेकिन वहां वह नहीं मिला पुलिस ने उसके परिजनों को सख्त हिदायत दी कि जब भी हेत सिंह घर लौटे उसे तुरंत खेरागढ़ थाने भेज दें पुलिस की निगाहें अब इस संदिग्ध पर टिकी हुई थीं और वे उसकी तलाश में हर संभव प्रयास कर रही थीं। इसी बीच 2 दिसंबर की शाम को पुलिस ने दो युवकों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ कर रही थी लगभग रात आठ बजे हेत सिंह थाने में पहुंचा उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और हाथ में पानी की एक बोतल थी जिसे वह बार बार पी रहा था जैसे ही उसे थाने में दरोगा और सिपाहियों के सामने देखा तो उसने अपना जुर्म कबूल किया उसने कहा कि उसी ने ही गौरी की हत्या की है और उसने यह भी कहा कि मैंने जहर खा लिया है मैं भी उसके पास जाना चाहता हूं यह सुनते ही थाने में हड़कंप मच गया तुरंत हेत सिंह के हाथ से बोतल छीन ली गई और एक सिपाही उसका वीडियो बनाने लगा इस घटना के बाद पूछताछ के लिए लाए गए सभी युवकों को थाने से छोड़ दिया गया और तुरंत हेत सिंह को गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने हेत सिंह से गौरी की हत्या के संबंध में विस्तार से पूछताछ की हालांकि उपचार के दौरान ही हेत सिंह की मौत हो गई इस बीच उसने गौरी की हत्या का जुर्म कबूल करते हुए जो कहानी बताई वह इस प्रकार की थी थाना खेरागढ़ के अंतर्गत खांगढ़ गांव में हेत सिंह की बहन का ससुराल था और उसका वहां आना जाना लगा रहता था एक बार जब पड़ोस में रहने वाली गौरी उसकी बहन के घर आई तो हेत सिंह की नजर उस पर पड़ी उसी क्षण उसने गौरी से दोस्ती करने का निर्णय ले लिया वहीं पर दोनों में परिचय हुआ गौरी खां गढ़ के रहने वाले हरिओम सिंह की बेटी थी गौरी के अलावा हरिओम सिंह का एक बेटा था हरिओम की पत्नी को कैंसर था जिसका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था मां की बीमारी की वजह से घर के काम गौरी ही करती थी जिससे वह इंटरमीडिएट से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी थी इंटरमीडिएट भी उसने प्राइवेट किया था गौरी और हेत सिंह की यह मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई फिर दोनों चोरी चोरी गांव के बाहर मिलने लगे दोनों ने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दे दिए थे जिससे फोन पर भी उनकी बातें होने लगी इसके बाद उनका प्यार और गहराता गया उनके प्रेम संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई थी लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही थी इसलिए उन्होंने तय किया कि जब वे एक साथ रह नहीं सकते तो साथ साथ जान तो दे ही सकते हैं उन्होंने एक साथ जान देने का निर्णय ले लिया योजना के अनुसार हेत सिंह अपने घर से 28 नवंबर को ही गांव खां का गढ़ आ गया था उसने उसको फोन कर गौरी को पुराने स्कूल में बुला लिया गौरी वहां आ तो गई लेकिन वह अपने वादे से मुकर गई पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी बदल गया था इससे हेत सिंह को शक हो गया कि गौरी की जिंदगी में शायद कोई और आ गया है उसे डर था कि उसकी मोहब्बत उससे छिन न जाए इसलिए गौरी उसके साथ मरने को मना कर रही है हेत सिंह नहीं चाहता था कि उसकी गौरी किसी और की हो जाए लिहाजा उसने गौरी को उसी समय सजा देने की ठान ली उसने गौरी को धक्का देकर गिरा दिया उसके गिरते ही हेत सिंह ने अपने साथ लाए चाकू से उसका गला काटना चाहा, लेकिन गौरी के विरोध के चलते उसके गले पर हल्का कट लगा किसी तरह उसने गौरी को काबू कर चाकू से उसका गला रेत दिया हेत सिंह ने गौरी के मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसके कपड़ों में रख दिया इसके बाद उसने हत्या में इस्तेमाल चाकू स्कूल के पास स्थित तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया गौरी की हत्या करने के बाद हेत सिंह अपने घर गया जब उसने घर वालों को गौरी की हत्या की बात बताई तो पूरा परिवार सन्न रह गया पुलिस से बचने के लिए हेत सिंह वहां से मथुरा स्थित अपनी रिश्तेदार के घर चला गया दूसरे दिन उसे पता चला कि पुलिस उसके घर दबिश देने आई थी उसने मथुरा से जहर खरीदा और खेरागढ़ आकर एक जगह पर जहर खा लिया इसके बाद वह थाना खेरागढ़ पहुंच गया हेत सिंह की पूरी कहानी सुनाने के बाद उसकी मौत हो गई पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया परिजन शव को मुरैना ले गए जहां उन्होंने पूरे रीति रिवाजों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया आज की दूसरी कहानी दिल्ली से है यह सच्ची घटना दो की है 16 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे एक दूध वाला दूध बांटने जा रहा था वहीं पर रास्ते में उसकी नजर एक शव पर पड़ी जिसने उसे हिलाकर रख दिया तुरंत उसने शाहजहांपुर कोतवाली पुलिस को सूचना दी सूचना मिलते ही आलोक सक्सेना पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे सड़क के किनारे खून से लथपथ एक सिरकटी लाश पड़ी थी चाकुओं के चौदह गहरे घाव साफ नजर आ रहे थे जो बेरहमी से किए गए थे सिर का कहीं अता पता नहीं था पुलिस ने आसपास सिर की तलाश शुरू की और थोड़ी देर बाद सड़क के दूसरी ओर सिर भी मिल गया अब पुलिस के सामने एक मर्डर मिस्ट्री थी घटनास्थल पर धीरे धीरे आसपास के गांवों और शहर से बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शव की पहचान कराने की कोशिश की लेकिन कोई भी मृतक को पहचान नहीं सका इससे पुलिस को शक हुआ कि यह शख्स यहां का रहने वाला नहीं है और शायद उसे कहीं और से लाकर बेरहमी से मारा गया है लाश पर जो कपड़े थे वे ब्रांडेड लग रहे थे जिससे पुलिस ने अंदाजा लगाया कि मृतक किसी अच्छे परिवार से था हत्या की बर्बरता को देखकर पुलिस ने अंदाजा लगाया कि यह मामला निजी दुश्मनी या बदले का हो सकता है पुलिस को यह भी शक था कि कहीं यह प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला तो नहीं है इस बीच डॉग स्क्वाड भी बुला लिया गया खोजी कुत्ते ने शव को सूंघने के बाद थोड़ी दूर जाकर एक जगह रुक गया जहां पुलिस को खून से सनी एक पैंट मिली पैंट की तलाशी लेने पर उसमें एक सिम कार्ड मिला जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया घटनास्थल की जांच पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी थाने लौटने के बाद इंस्पेक्टर आलोक सक्सेना ने चौकीदार राधेश्याम को गवाह बनाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया पुलिस के पास जांच का सिर्फ एक सुराग था मृतक की जेब से मिला सिम कार्ड जब सिम की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला कि यह सिम गाजीपुर जिले के डंडापुर गांव के रहने वाले ओम प्रकाश सिंह के बेटे विश्वजीत सिंह का है पुलिस ने तुरंत उस पते पर संपर्क किया और मृतक के परिवार को बुलाया जब परिवार आया तो उन्होंने शव की पहचान विश्वजीत सिंह के रूप में की पूछताछ में उन्होंने बताया कि विश्वजीत दिल्ली में नौकरी करता था पुलिस ने जब बरामद सिम नंबर की कॉल डिटेल्स खंगाली तो कुछ नंबरों पर उन्हें शक हुआ इन नंबरों को तुरंत सर्विलांस पर लगा दिया गया सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर शाहजहांपुर पुलिस की एक टीम दिल्ली रवाना हुई और वहां के थाना कमला मार्केट पुलिस से संपर्क किया कमला मार्केट थाने के प्रभारी ने एएसआई प्रमोद जोशी को शाहजहांपुर पुलिस की मदद के लिए कुछ सिपाहियों के साथ तैनात कर दिया कड़ी निगरानी और ट्रैकिंग के बाद पुलिस ने 18 नवंबर को एएसआई प्रमोद जोशी की मदद से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसे कमला मार्केट थाने लाया गया, जहां पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम दीपक शर्मा बताया दीपक हिमाचल प्रदेश के, के रहने वाले रामपाल शर्मा का बेटा था कई सालों से वह दिल्ली में रह रहा था और पैसे लेकर हत्याएं करने का काम करता था दीपक पर दिल्ली में पहले से ही कई हत्या के केस दर्ज थे दीपक से पूछताछ के बाद शाहजहांपुर पुलिस के सामने विश्वजीत हत्याकांड की पूरी सच्चाई उजागर हो गई दीपक ने बताया कि उसने ये हत्या नूरी और हामिद के कहने पर की थी जब इन दोनों के नाम सामने आए तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और उनतीस नवम्बर की सुबह पंचपीर तिराहे से हामिद और नूरी को भी गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तारी के बाद हामिद ने हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बता दी उसने खुलासा किया कि कैसे उन्होंने मिलकर विश्वजीत की हत्या की योजना बनाई थी पूछताछ में एक कहानी सामने आई शाहजहांपुर में एक जगह है शहबाज नगर यहीं पर बाबू खां का परिवार रहता था उनका बेटा नूरी नई दिल्ली के जीबी रोड स्थित एक बार में वेटर का काम करता था दिन में वह नौकरी करता था और रात में अजमेरी गेट के पास एक रैन बसेरा में सोता था इनके घर में मोना नाम की लड़की का आना जाना था जो दिल्ली के कड़कडुमा की रहने वाली थी उसके पिता वकालत करते थे और हिंदू थे जबकि उनकी पत्नी जो मोना की मां थी वो मुस्लिम थी वकील साहब की यह दूसरी शादी थी इस शादी से उनकी एक लौती संतान मोना थी जिसे वे बेहद लाड़ प्यार से पाल रहे थे मोना के मां की रिश्तेदारी होने की वजह से नूरी का मोना के यहां भी आना जाना था इसी आने जाने में नूरी मोना को पसंद करने लगा वह अक्सर उसे देखता और उसके करीब आने के मौके तलाशता रहता एक दिन जब उसे सही मौका मिला तो नूरी ने हिम्मत जुटाकर मोना के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया हैरानी की बात यह थी कि मोना ने भी बिना किसी झिझक के नूरी के प्यार को कबूल कर लिया नूरी का एक गहरा दोस्त था हामिद जो उसी के साथ जीबी रोड के बार में वेटर का काम करता था दोनों न सिर्फ साथ काम करते थे बल्कि अजमेरी गेट के पास एक ही सेरा में रातें भी गुजारते थे हामिद भी नूरी के मोहल्ले का रहने वाला था इसलिए उनकी दोस्ती और भी गहरी थी दोनों एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छिपाते थे नूरी और मोना के प्रेम संबंध की खबर आखिरकार हामिद तक भी पहुंच गई हामिद ने नूरी से कहा कि वह उसे भी मोना से मिलवा दे नूरी अपने दोस्त की बात को टाल नहीं सका और जब अगली बार वह मोना से मिलने गया तो हामिद को भी साथ ले गया मोना को देखते ही हामिद भी उसकी खूबसूरती पर फ़िदा हो गया और नूरी की तरह खुद पर से काबू खो बैठा उस दिन मोना और हामिद में भी दोस्ती हो गई और कुछ ही समय बाद हामिद भी अकेले में मोना से मिलने लगा हामिद को भी मोना से मोहब्बत हो गई और वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस पर लुटाने लगा मोना भी हामिद से बड़े प्यार से पेश आती थी जिससे हामिद यह समझने लगा कि मोना उसे भी चाहती है अब हालात यह थे कि दोनों दोस्त नूरी और हामिद एक ही लड़की से प्यार करने लगे थे लेकिन सच्चाई यह थी कि मोना को न तो नूरी से प्यार था और न ही हामिद से वह सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी नूरी और मोना के बीच चल रहे चक्कर के बारे में जल्दी ही उसके तीसरे दोस्त विश्वजीत सिंह को भी पता चल गया विश्वजीत सिंह गाजीपुर के डंडापुर गांव का रहने वाला था उसके पिता ओम प्रकाश सिंह एक स्थानीय इंटर कॉलेज में चपरासी थे परिवार में मां ममता के अलावा एक बड़ी बहन संध्या और एक छोटा भाई सर्वजीत था संध्या का विवाह हो चुका था जबकि सर्वजीत पढ़ाई कर रहा था बाईस वर्षीय विश्वजीत ने बी पूरा करने के बाद दिल्ली का रुख किया था जहां उसे अजमेरी गेट के पास एक रैन बसेरा में केयरटेकर की नौकरी मिल गई जो भी वेतन उसे मिलता वह ज्यादातर खुद पर ही खर्च करता था उसे महंगे कपड़े पहनने और अच्छे खाने पीने का बेहद शौक था उसका अंदाज और लुक ऐसा था कि वह किसी रईस ज्यादा से कम नहीं लगता था स्मार्ट और पढ़ा लिखा होने की वजह से भी लोग उसे एक अच्छे घर का लड़का समझते थे नूरी और हामिद उसी रैन बसेरा में सोने आते थे जहां का केयर टेकर विश्वजीत था इस तरह रोज रोज मिलने जुलने में नूरी किसी लड़की से मिलता जुलता है इस बात की जानकारी विश्वजीत को हुई तो उसने भी नूरी से कहा कि वह भी उसकी पसंद देखना चाहता है नूरी उसे इंकार नहीं कर सका इसलिए उसे विश्वजीत को मोना से मिलवाया लेकिन जब मोना ने विश्वजीत से पहली बार मुलाकात की तो वह उसे देखकर दीवानी हो गई दोनों के बीच तुरंत दोस्ती हो गई इस बार मोना ने विश्वजीत को फिर से मिलने के लिए बुलाया मोना के हिसाब से विश्वजीत न सिर्फ सुंदर और स्मार्ट था बल्कि उसके पास पैसा और पावर भी थी इसलिए वह उसमें जरूरत से ज्यादा रुचि लेने लगी धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ी और दोनों के बीच प्यार हो गया जैसे ही मोना को विश्वजीत से प्यार हुआ उसने नूरी और हामिद से मिलना जुलना बंद कर दिया उसने उनसे फोन पर भी बात करना बंद कर दिया जिससे नूरी और हामिद को समझने में देर नहीं लगी कि अब मोना को उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है वह पूरी तरह से विश्वजीत की हो चुकी थी साफ था पैसे से जुड़े नूरी और हामिद अब मोना के लिए किसी काम के नहीं रह गए थे इसलिए उसने उनसे दूरी बना ली जब नूरी ने विश्वजीत से मोना से दूर रहने को कहा तो वह भड़क गया और गाली गलौज करते हुए नूरी को धमकी दी नूरी ने समझाया कि मोना उसकी गर्लफ्रेंड है और उससे दूर रहे लेकिन विश्वजीत ने उलटा कह दिया कि मोना अब उसकी है और उसे किसी से नहीं छीनने दिया जाएगा उसके बाद नूरी और हामिद ने कई बार विश्वजीत को मोना से अलग करने की कोशिश की यहां तक कि उनकी मारपीट भी हुई लेकिन विश्वजीत के सामने उनकी एक नहीं चली इसलिए नूरी और हामिद सुपारी किलर दीपक शर्मा के पास गए दीपक ने नूरी की अच्छी दोस्ती के कारण बिना पैसे के ही काम करने की सहमति दे दी वे विश्वजीत की हत्या ऐसी जगह करना चाहते थे जहां कोई उसे पहचान न सके और इसके लिए उन्होंने उसे शाहजहांपुर ले जाने का निर्णय लिया नूरी और हामिद ने विश्वजीत से माफी मांगकर पुरानी बातें भूलने के लिए कहा तो विश्वजीत ने पुरानी दोस्ती के कारण उन्हें माफ कर दिया इसके बाद नूरी और हामिद ने लखनऊ घूमने की बात की और विश्वजीत चलने को तैयार हो गया उन्होंने दीपक को विश्वजीत से मिलवाकर कहा कि वह भी उनके साथ लखनऊ चलेगा जिसे विश्वजीत ने मना नहीं किया पंद्रह नवंबर को चारों नई दिल्ली से लखनऊ के लिए ट्रेन से रवाना हुए रास्ते में ताजिया दिखाने का बहाना कर नूरी ने विश्वजीत को शाहजहांपुर में उतार लिया इसके बाद नूरी और हामिद ने उसे दीपक के साथ अपने घर ले गए देर रात खाना खाने के बाद नूरी और हामिद ने विश्वजीत और दीपक को टहलने के बहाने सुभाष नगर खुदरई मार्ग पर निकाला जो रात में सुनसान रहता है फिर मौका देखकर नूरी और हामिद ने विश्वजीत को धक्का देकर सड़क के किनारे गिरा दिया और दीपक फुर्ती से उसके सीने पर सवार हो गया विश्वजीत ने हाथ पैर चलाए लेकिन दीपक ने चाकू से उसके गले पर कई वार कर दिए विश्वजीत छटपटाता रहा और दीपक ने उसका सिर धड़ से अलग कर सड़क के दूसरी ओर फेंक दिया इसके बाद दीपक ने उसकी पैंट भी उतार कर वहां से छिपा दी ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले कातिल ने हर संभव कोशिश की थी लेकिन घटनास्थल से मिले एक साधारण सिम कार्ड ने पूरी कहानी को उजागर कर दिया यह घटना इस बात का सबूत है कि कैसे एक छोटा सा सुराग जैसे कि सिम कार्ड एक जटिल हत्या की गुत्थी को सुलझाने में अहम भूमिका निभा सकता है इस सिम कार्ड ने पुलिस को कातिल तक पहुंचाया और पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया साथ ही यह मामला इस बात को भी दर्शाता है कि कैसे प्यार धोखा और प्रतिशोध किसी निर्दोष की जान लेने का कारण बन सकते हैं कोई भी अपराध कितना भी योजनाबद्ध और सतर्कता से क्यों ना किया जाए सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है छोटे छोटे सुराग भी कानून की नजर से नहीं बच सकते साथ ही यह भी सिखाता है कि प्यार में धोखा लालच और प्रतिशोध केवल बर्बादी और हिंसा की ओर ले जाते हैं जिससे किसी का जीवन खत्म हो सकता है इसलिए हमें अपने फैसलों में सावधानी और इंसानियत बनाए रखनी चाहिए इसी तरह की सच्ची घटनाओं और सीखों के साथ मैं फिर लौटूंगा तब तक के लिए सुरक्षित रहे सतर्क रहे और ध्यान रखें कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में सही कदम उठाना कितना जरूरी है